सर, क्या उद्देश्य था इस बैठक के बीच? आज राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जिला इकाई गुड्डा की बैठक थी और आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य हम लोगों का था कि जो अभी चुनाव होना है लोकसभा का, इस चुनाव में गुड्डा में हम लोग किस प्रत्याशी को मदद करें, हमारी टीम जो काम करने जाएगी वो किसके पक्ष में काम करेगी, इसी बिंदु पर आज कोर ग्रुप की बैठक थी और बैठक में काफ़ी विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया है और जो हम लोगों को जो अधिकार मिला हुआ है, आरक्षण का अधिकार, अपने हित का अधिकार, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए आज हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हम लोगों के भविष्य की बात, पिछड़ों के भविष्य की बात, यहाँ के दलितों की भविष्य की बात, यहाँ के जो और दबे कुचले समाज के हित की बात भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर सकती है। वो अगर करेगी तो इंडिया गठबंधन ही कर सकती है और इंडिया गठबंधन की ओर से जो अभी तक घोषित उम्मीदवार प्रदीप यादव जी हैं, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा आज फैसला लेता है कि आने वाले चुनाव में हम लोग का सारा मदद, हम लोग उनके समर्थन में हम लोग गांव भी जाएंगे और राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा उनके लिए काम करेगा, इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग। इस बार चुनाव को जनता किस नज़रिए से देखे? कि चुनाव को जनता बदलाव के नज़रिए से देख रही है और देश में जो पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार जो कुंडली मान के बैठी हुई है और हमारे गुड्डा में 15 साल से निशिकांत दुबे जी जो है कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, इस चीज़ को जनता चाहती है, बदलाव चाह रही है। युवा जॉब चाह रहे हैं, बेरोजगारी है, विद्यार्थी शिक्षा चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल का जो स्थिति है देख रहे हैं, शिक्षा को समाप्त किया जा रहा है, कॉपी कलम में जो है GST लगाया जा रहा है जो फ्री होना चाहिए शिक्षा, यही सब है। और गुड्डा सांसद जी का बात क्या करें, क्योंकि वो तो क्या गामा पहलवान जिसे कहते हैं कि वो गामा पहलवान समझ रहे हैं अपने आप को और ये कह रहे हैं कि बगैर हमें अखाड़ा में उतरे हुए हमारे जो प्रतिद्वंद्वी है वो डर जाएगा और इतना ताल ठोक रहे हैं वो कि हम प्रचार करने नहीं जाएंगे, ये लोग टुकड़ा टुकड़ा गैंग है। और जब ये 10-15 साल से सांसद रहते हैं तो OBC को गाली देते हैं, OBC के अधिकार का हनन करते हैं, ये OBC गोड्डा में 65% हैं इसकी बात को पार्लियामेंट में उठाने का काम नहीं करते हैं, ये सारा बिंदु है। और इस बिंदु को लेकर के जो हम लोग OBC के लोग एकजुट हैं और चाहेंगे कि हमारे जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के जो OBC के जो उम्मीदवार हैं, हम लोगों का जो मांग था कि OBC का उम्मीदवार दिया जाए गोड्डा में, और इस चीज़ को कांग्रेस गठबंधन ने सुनने का काम किया है, धन्यवाद देना चाहेंगे हम लोग। वैसे हम लोग दीपिका जी से भी नाराज नहीं थे, चूँकि दीपिका जी ने OBC का बहुत बात को उठाने का काम की थी और उनको भी हम लोग सराहना कर रहे थे, वो भी उम्मीदवार होती तो उनको भी हम लोग सपोर्ट करते, लेकिन चलिए जो सभा का राय था, जो सभा का मांग था कि OBC होना चाहिए तो OBC को मिला है, हम लोग मिल करके काम करेंगे और जो OBC के जो हमारे उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के, चाहेंगे कि इनकी जीत तो सुनिश्चित है, चूँकि OBC इनको वोट देने जा रहा है तो एकदम निश्चित है जीतेंगे ही। जीतने के बाद जो है ये OBC के तमाम मुद्दों को पार्लियामेंट में रखें, अधिकार को दिलाने का काम करें, संविधान को बनाने में सहयोग करें, और जब तक देश का जो है ये सरकार चेंज नहीं हुआ तब तक झारखंड का जो है नियमावली भी चेंज नहीं होने वाली है। आप देख रहे हैं झारखंड सरकार जब निर्णय लेती है 27% आरक्षण को लेकर के, तो राज्यपाल महोदय द्वारा रोकवा दिया जाता है, 1932 खतियान का जो लिया जाता है डिसीजन उसको भी रोकवा दिया जाता है। और नियमावली को चेंज करने के लिए 9वीं अनुसूची में जो है ये आना बहुत ज़रूरी है, और 9वीं अनुसूची में तभी आएगा जब केंद्र का सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि जब ये अटल बिहारी वाजपेयी 2000 में जो सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, उसी समय से जो झारखंड का भविष्य को चौपट कर दिया गया है,
यानी कि झारखंड का भविष्य पूरे तरह से बोलिए कि क्रेडिट जाता है कि चौपट करने में बीजेपी को। बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री थे, 14% आरक्षण कर दिया, 7 जिला शून्य कर दिया, तमाम जो है बर्बाद कर दिया भविष्य ओबीसी का। हम लोग बिहार में सुरक्षित थे, लेकिन जब से हम लोग झारखंड में जो है अलग किया गया, ओबीसी को बर्बाद कर दिया। तो ओबीसी की हम लोग की इज्जत को बचाना है, संविधान को बचाना है, ये देश का यही मांग है। राहुल जी देखिए आज जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं, लालू जी का तो एजेंडा है ही। हम लोग राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का तमाम जो है बिंदुवार जो महागठबंधन जो है लागू करने की बात कर रही है। एक बार भरोसा हम लोग का पहले भी किया था और भरोसा के योग्य है, हम लोग समर्थन करेंगे, पुरजोर समर्थन करेंगे। परिचय दीजिए आप। मेरा शुभ नाम राजकुमार भगत हुआ, मैं राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ और ये गोल में सम्मेलन हो रहा था, टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसी के तहत सारा बैठक हुआ, सारे लोग जुटे, ओबीसी के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग, हम लोगों ने बिंदुवार चर्चा की और सारे लोग सहमत हैं कि प्रदीप यादव जो उम्मीदवार हैं उनको हम लोग सहयोग करेंगे। क्या लगता है जनता ओबीसी की इस बैठक के बाद लिए गए निर्णय को समर्थन करेगी? ओबीसी के अपना फायदा देखते हुए ओबीसी कैंडिडेट जो है उनको भी समर्थन ओबीसी जरूर करेंगे, क्योंकि अगले जो और कैंडिडेट है वो ओबीसी की बात नहीं करते, ओबीसी के मांगों को कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ओबीसी को हमेशा वो नीचा दिखाने काम कर रहे हैं, इसलिए इस मैटर में